अगर हम मायूस होके बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे। तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी चिंतन शिविर कर रही है ताकि अपनी गलतियों को सुधार सके और अगले चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो। उदयपुर के बाद कांग्रेस पार्टी अब लखनऊ में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में मिली करारी हार के बाद प्रियंका गांधी ने प्रदेश की सुध ली और वो लखनऊ पहुंची। प्रियंका का ये दौरा 82 दिनों बाद हुआ है। देश के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस के महज 2 विधायक और 1 सांसद हैं। प्रियंका गांधी का ये दौरा राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से है। साल 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ जनता के बीच एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की थी। उनकी सभाओं में अच्छी भीड़ भी उमड़ी, लेकिन वो नारे और भीड़ जीत नहीं दिला पाई। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही प्रियंका गांधी यूपी के राजनीतिक परिदृश्य से गायब रही। प्रियंका की प्रदेश में मौजूदगी से पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं में जिस ऊर्जा का संचार हुआ था, वो जोश अब बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। यूपी में 1 महीने से प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है। हालांकि प्रियंका लखनऊ पहुंच कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम कर रही हैं। सच्चाई से पीछे नहीं हट सकते, तो अब आगे क्या करना है? अगर हम मायूस होके बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे। तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया। जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं। आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आप में। आप हिले नहीं, आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे, और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। 82 दिन बाद लौटी प्रियंका अपने भाषणों से कार्यकर्ताओं में जोश डाल रही हैं। लेकिन क्या साल 2024 के चुनाव तक प्रियंका कार्यकर्ताओं के साथ यूं कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आएंगी? क्या अध्यक्ष के बिना यूपी कांग्रेस चल पाएगी? ये सब सवाल तो आने वाले चुनाव और उसके परिणाम से ही पता चलेगा।